हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना शर्मा, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपकी कमर दर्द का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप लोगों ने इस नुस्खे को आजमा लिया तो आपकी जो कमर का दर्द है वो जल्दी ही छूमंतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी कमर में दर्द बरसों से है या अब होने लगा है, आपकी जो कमर है वो अकड़ी अकड़ी रहती है, कमर में जकड़न सी रहती है, आप ढंग से उठ नहीं पाते हैं, आप ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, हर टाइम कराते रहते कि हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर, तरह तरह की बाम लगा के थक गए, तरह तरह की मालिश कर करके थक गए, कुछ समय तो आराम मिलता है फिर वही हाल रहता है कमर का। देखिए, अगर आप लोगों ने बहुत सी दवाइयाँ खा खा कर देख ली है, बहुत से ट्यूब अप्लाई करके देख ली अपनी कमर पर आपकी कमर का हाल वही का वही है। तो देखिए, आज मैं बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी। अगर आप लोगों ने अपनी कमर पर अप्लाई किया तो यकीन मानिएगा, आपकी जो कमर का दर्द है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, इस नुस्खे को लाइट में ना ले, मेरी वीडियो को एंड तक देखे, स्किप ना करें, तभी इसका पूरा हल आपको मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको तरीका बताऊं, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स चलिए नुस्खा बताती हूँ, हमें करना क्या है। देखिए, हमें लेना है एक अदरक, जी हाँ वही अदरक जिसे हम चाय में डालते हैं, एक ताज़ा अदरक हमें लेना है। उसे अच्छे से कूटकर उसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए, कूटने के बाद जो अदरक होती है उसका जो पेस्ट बन जाएगा, बस वो कूटा हुआ ही होना चाहिए, आपको मिक्सी या जार में पीसने की जरूरत नहीं है। उसको अपनी जहाँ कमर में दर्द है उस जगह आपको लेप कर लेना है। देखिए, अदरक होती है उसमें एक ऐसा गुण होता है जो दर्द को अपनी तरफ खींचता है, दर्द को निकालने की एक क्षमता होती है अदरक में। तो आप जब इसका लेप लगाएंगे तो आपकी जो कमर दर्द है उसमें आराम मिलने लगेगा। देखिए, इसमें कोई समय नहीं है कि आपको 15 मिनट रखना है, 20 मिनट, बस आपको अदरक का जो पेस्ट है अपने कमर दर्द वाली जगह पर लगा देना है और कुछ देर के लिए रेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी कमर का दर्द है उसमें आराम मिलने लगेगा। देखिए, जब आपका ये पेस्ट है वो सूख जाए, सूखने के बाद ही हमें इसको उतारना है, उससे पहले नहीं। चाहे कितना भी टाइम लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी लगे, इतने हमें रेस्ट कर लेना है। और देखिए, उस पेस्ट को उतरने नहीं देना है, हम उल्टा लेट सकते हैं, क्योंकि कमर में दर्द अगर आपके साइड में है तो उल्टा लेट सकते हैं, और उसको सूखने देना है। फिर आपको क्या करना है, जब टाइम हो जाए, ये सूख जाए, तो आपको गुनगुना पानी करना है और उसमें एक कपड़े को भिगोकर उससे अच्छे से पेस्ट को उतार लेना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका पेस्ट उतर जाएगा, दूसरा क्या होगा, आपकी जो कमर है उसकी सिकाई हो जाएगी। देखिए, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, लाइट में ना ले। साथ के साथ एक चीज़ आपको और करना है, आपको एक लेनी है सौंठ। देखिए, जैसे अदरक होती है उसको सुखाकर सौंठ तैयार की जाती है, अगर ये आप घर पर तैयार नहीं कर सकते तो आप किसी भी पंसारी की दुकान पर ले सकते हैं। सौंठ आसानी से मिल जाएगी और महंगी भी नहीं है। उसे लाकर थोड़ा कूट लीजिए और मिक्सी के जार में उसका जो पाउडर होता है वो तैयार कर लीजिए और किसी भी डब्बी में डालकर रख लीजिए। जब भी आप, देखिए, जब भी आप रात को सोते समय दूध लेते हैं, आपको आधी छोटी चम्मच ये सौंठ ले लेनी है। देखिए, आप चाहे तो दूध में मिलाकर पी सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, नहीं तो आधी चम्मच सौंठ पहले मुंह में डाल लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर दूध पीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में ज़बरदस्त आराम मिलेगा। ये दोनों नुस्खे आपको साथ के साथ करना है, एक तो अदरक का पेस्ट है कमर दर्द वाली जगह पर लगाना है, दूसरा आपको आधी छोटी चम्मच सौंठ है ये दूध के साथ रात को लेनी है। ज़बरदस्त आराम मिलेगा, आपकी जो कमर की जकड़न है, जो अकड़न है, वो ठीक होने लगेगी, आप आराम से उठ बैठ पाएंगे। देखिए, बहुत ही देसी नुस्खा है, इसका जो नुकसान है वो बिल्कुल नहीं है। इसका देखिए, महिला, पुरुष, बड़े बुजुर्ग कोई भी फायदा उठा सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर कमर दर्द से महिलाएं होती है वो परेशान होती है, क्योंकि उनको किचन का काम, साफ सफाई का काम, कपड़े धोने का काम, बहुत सा उठने बैठने का काम करना पड़ता है। तो वो महिलाएं हैं, इस नुस्खे को आजमाएंगी तो देखिए बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। देखिए, इसमें खर्चा भी बिल्कुल नहीं है और देसी नुस्खा है, इसका नुकसान भी नहीं है। तो कमर दर्द से परेशान लोग प्लीज इस नुस्खे को एक बार मेरे कहने से अप्लाई जरूर करके देखिएगा। और वीडियो नॉलेजेबल है, नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है, फिर जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।